सो हेलो गाइज, कैसे हो? तो गाइज, तुम लोग सबसे पहले तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि मैं खुद नहीं चाहता हूँ कि यार तुम ये ट्रिक ना देखो, क्योंकि आज की मैं इस वीडियो में जो ट्रिक बता रहा हूँ ना पबजी के लिए, वो एकदम से ओपी प्लस या रियल में वर्किंग ट्रिक है। क्योंकि मैं यार खुद की बताऊँ तो मैं खुद भी अपने लो एंड फोन जिस भी मेरे डिवाइस में गेम लैग करता है तो उसमें यार ये ट्राई करता हूँ। और वैसे ऐसा बताऊँ तो ये ट्रिक देख के तुम्हें लगेगा कि भाई ये तो फेक है, या फिर ऐसा कुछ है ये हमारे में वर्क नहीं करेगी, या फिर ये बंदा पागल है। पर क्योंकि ये ट्रिक ऐसी है तुम्हें लगेगा कि मैं पागल हूँ, पर ये ट्रिक एकदम से रियल प्लस वर्किंग ट्रिक है। और अगर तुम लोग इसको ट्राई कर पाओ ना तो यार जरूर ट्राई करना, ये पर्सनली यार मेरी रिक्वेस्ट है कि तुमसे, क्योंकि मेरा कोई ऐसा मन नहीं कि मैं यार वीडियो को क्रिएट करके वॉच टाइम गेन करूँ या फिर वॉच टाइम बढ़ाऊँ, मेरा इसे कोई मतलब नहीं है। मैं सिंपल तुम्हें ट्रिक बता रहा हूँ, और इस ट्रिक का नाम है 4xMSAA। एंड जिनको नहीं पता है कि ये है क्या, तो इसमें ना देखो कुछ लेवल्स होते हैं, जैसे इसमें दो लेवल्स हैं। एक है कि कुछ हमको सेटिंग चेंज करनी पड़ी थी अपने डिवाइस के अंदर से, एंड एक अपनी जो गेम की सेटिंग है उसको बदलना पड़ता है। तो हमें दोनों लेवल अनलॉक करने पड़ते हैं, एंड जैसे हम दोनों को कर लेते हैं अच्छे से तो अपना जो गेम है ना ये करने के बाद एकदम से खुद से स्मूथ चलने लगता है। तो हमें कुछ यही करना पड़ता है, तो मैं तुम्हें इन्हीं का बताने वाला हूँ। एंड ये अपने न्यू अपडेट में भी वर्क करेगी, एंड अपनी जो वो फाइल वगैरह हटने की प्रॉब्लम रहती है ना तो इसमें वो प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। कहीं तुम ये समझो कि फाइल वगैरह हट जाएगी या फिर कोई सी दूसरी दिक्कत आएगी, तो ना इसमें फाइल हटेगी और ये न्यू अपडेट में वर्किंग है। तो तुम इसको ट्राई जरूर कर सकते हो। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ इसके आगे क्या करना है। तो गाइस देखो, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले एक फाइल डाउनलोड करनी है, एंड इस फाइल का नाम होगा 4xMSAA। एंड इस फाइल का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड इसको तुम्हें सिंपल अपने गेम में लगाना है। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया कि इसके अंदर दो लेवल्स है, जिसके अंदर एक हमें गेम का लेवल अनलॉक करना है, एंड एक अपना जो मोबाइल का लेवल है वो अनलॉक करना है। तो हम सबसे पहले अपना जो गेम का लेवल है ना उसको अनलॉक करें। तो और जो इस फाइल को अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा ना, वो मैं सॉरी इस वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि पबजी को लगता है हमको ये हैकिंग बता रहे हैं और वो इसी वजह स्ट्राइक दे देता वीडियो पे। तो मैं नहीं चाहता हूं कि यार वीडियो पे स्ट्राइक आए, तो मैं इसलिए इस वीडियो में उसका प्रोसेस नहीं बताऊंगा अप्लाई करने का। पर इसका जो अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा ना वो मैंने एक वीडियो में बताया है, जिसका लिंक तुम्हें वीडियो का उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो वो वीडियो देख के तुम अपने गेम में इसको आराम से लगा पाओगे। तो ये तुम्हें लगा लेनी अपने गेम में, एंड इसके बाद जो अपना मोबाइल का लेवल है ना ये MSAA का, उसको इनेबल करना है। तो इसके बाद तुम्हें अपनी जो मोबाइल की सेटिंग है उसके अंदर आ जाना है, एंड इसके बाद जाना है तुम्हें अपने अबाउट ऑप्शन के अंदर, अबाउट फोन में। एंड यहाँ पे जैसे देखो MIUI वर्जन है अपना, जो भी वर्जन होगा तुम्हारे डिवाइस का उसके ऊपर 4 से 5 बार क्लिक करना है, एंड फिर जो अपना डेवलपर ऑप्शन रहता है ना वो अनलॉक हो जाता है। तो जहाँ भी अनलॉक हुआ है ना तो वहाँ पे चले जाना है, एंड देख सकते हो यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। तो मेरा यहाँ पे मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें ना 3 सेटिंग्स अनलॉक करनी है, तो मैं बता देता हूँ क्या। तो सबसे पहले तो फोर्स एक्टिविटीज टू बी रिसीजेबल, ये जो दिख रही है इसको इनेबल करना है। एंड सेकेंड में तुम्हें इनेबल करना है ये देखो, ये है मेन फोर्स 4xMSAA, इसको इनेबल कर देना है। एंड ये मैंने स्टॉप की थी क्योंकि मैं तुम्हें बताने वाला था, पर मैं इसको इनेबल रखता हूँ, तो तुम्हें इसको इनेबल कर देना है। एंड अगर तुम अपनी जो गेम की वैसी स्पीड है ना, गेम की नहीं, जैसे देखो हम यहाँ पे आए एंड अंदर गए अपने जैसे किसी भी ऐप के अंदर, तो जो ये स्पीड जितनी स्पीड से बाहर आ रहा है इसके अंदर या फिर अंदर गई है ये ऐप के अंदर, तो ये जो स्पीड है ना अगर इसको तेज करना चाहते हो ना तो ये जो विंडो एनिमेशन स्किल्स है ना इसको ऑफ कर देना है। तो एक बार ऑफ करके देखना, मतलब ये लगेगा कि भाई क्या जादू कर दिया, क्योंकि एकदम से स्पीड देखो देखा कुछ लगा ना कि भाई स्पीड तेज हुई है। तो देखो अगर ऐसी स्पीड करनी है तो इसको भी तुम इनेबल कर सकते हो। तो देखो ये 3 ऑप्शन तुम्हें कर लेने हैं अपने अबाउट ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जाके। एंड इसके बाद जो अपना पबजी मोबाइल गेम है ना वो जाके सिंपल ओपन करना है। एंड सिंपल इतना कुछ प्रोसेस है, यही करना है, सिंपल फाइल लगानी है, एंड ये कुछ ऑप्शन अनलॉक करके कर लेने हैं, एंड बस यही ऑप्शन है यार, कुछ यही करना है। एंड इसके बाद तुम्हारा गेम एकदम से ओपी चलेगा, क्या ओपी चलेगा। सो यही करना है, ट्राई कर लो। एंड वीडियो में इतना ही था गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हो, कमेंट मार सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, करना ही क्या है। तो चलो मिलता हूँ अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायनारा।